हेलो। हेलो, हाँ रिंकेश, क्या हाल भाई? बस भाई बढ़िया। तू बता कैसा है? बस मजा में भाई। अरे बता भाई। ऑन पैसे में क्या चल रहे हैं? ऑन पैसे में? हाँ ऑन पैसे से पहले भाई, तुझे इंडिया की जो जीत हुई है कल, उसके लिए हार्दिक हाँ शुभकामनाएं। 2020 वर्ल्ड कप जीत चुकी भाई इंडिया। बिल्कुल 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 भाई, जो भी रिंकेश को और सुभाष को सुन रहे हैं, उन सभी को टीम इंडिया की जीत पर हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। अब ये क्या, बता। मैंने इसका इसका मैंने ऑन पैसे को ना इकोसिस्टम खोल के देखा था, अच्छा तो अच्छा ना तो इकोसिस्टम खुल रहा है ओके ओके और ना कोई वेबसाइट खुल रही है। ओके कोई दाल में काड़ा तो नहीं है भाई? जैसे कल कोई किसी ने लीडर ने कहा था कि भाई मेरे को सब कुछ पता है लेकिन बताऊंगा नहीं, है? नहीं, रिंकू तू कब ओपन करके देखा था तूने? इकोसिस्टम हो रही है मैं डेली वेबसाइट। करता हूँ, आज करके देखा, आज खुला ही नहीं, कुछ भी नहीं खुला, ना तो इकोसिस्टम खुला ना कोई वेबसाइट खुली। अच्छा, तूने किसी फाउंडिंग मेंबर्स को कॉल करके पूछा है कि मेरे साथ ये इश्यूज आ रहे हैं? नहीं, कॉल तो नहीं किया अभी किसी को भी। अच्छा, ये इश्यूज रिंकू तेरे साथ ही नहीं आ रहे मेरे भाई, ये सभी के साथ आ रहे हैं। ठीक है, जो भी onpaisa.com की वेबसाइट को विजिट कर रहा है, या इकोसिस्टम को ओपन कर रहा है, या ofounders.net को जो ओपन कर रहा है, सबके साथ ये इश्यूज आ रहे हैं। ठीक अच्छा, है, और आएंगे सबके साथ ही आएंगे सब। सभी के साथ ये इश्यूज आ रहे हैं। तो इसके बारे में मिस्टर ऐश ने पहले ही बता दिया था मेरे भाई। एक्चुअली होता क्या है रिंकू, एक जो भी अपन वेबसाइट चलाते हैं, या जो एप्लीकेशन चलाते हैं, या कोई टूल चलाते हैं, तो उसके पीछे क्या एक सर्वर होता है। अच्छा ठीक है, जो भी एक सर्वर होता है, उसके जरिए ही ये अपनी वेबसाइट, टूल्स, एप्लीकेशन मार्केट में रन करते हैं। ठीक है, जी, एक तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस बोलते हैं उसको। तो जो अपना AWS है, तो अपना जो ओनपैसिस था मेरे भाई, वो AWS के सर्वर पर चल रहा था। ठीक है, बिल्कुल सटीक इसको समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कोई भी डाउट ना रहे। AWS के सिस्टम पे चल रहा था ओनपैसिस। ठीक है, जी AWS क्या है? अमेजोन वेब सर्विसेज है। वो क्या करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस है एक तरीके का, जिसके सारे जितनी भी वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, टूल्स हैं, वो उसके सारे चलते हैं। वो उसके लिए क्या करता है, एक पैसा लेता है। ठीक है, अच्छा ये फ्री की सर्विसेज नहीं है, ये पेड सर्विसेज है, जिसके लिए ओनपैसिव को पैसा देना पड़ रहा था AWS को। ठीक है, अच्छा और पैसा भी एक अच्छी क्वांटिटी में पैसा देना पड़ रहा था, मतलब मिलियंस डॉलर उसको पे करने पड़ रहे थे ओनपैसिव को। अब अच्छा क्या चल रहा है ऑन पैसिव में, ऑन पैसिव अपने आप को शिफ्टिंग कर रही है। ठीक है, सर्वर दुनिया में एक तो है नहीं, पता नहीं कितने तरीके के सर्वर है। ये हाँ जरूरी थोड़ी ना है, यदि अपने को AWS का सर्वर यदि पसंद नहीं आ रहा, AWS यदि अपन से ज्यादा चार्जेस ले रहा है, तो ऑन पैसिव दूसरे सर्वर पर शिफ्ट हो जाएगी। समझ बिल्कुल पा रहा है, जैसे बहुत तरीके के सर्वर है दुनिया में। अभी तक फिलहाल ऑन पैसिव AWS पे चल रहा था। ठीक है, AWS क्या कर रहा था, AWS ज्यादा पैसे की डिमांड कर रहा था ऑन पैसिव से, कि मतलब मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि ऑन पैसिव को ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ रही थी, वेबसाइट पे ज्यादा स्पेस चाहिए था ऑन पैसिव को, और AWS उसके लिए ज्यादा पैसे की डिमांड कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ऑन पैसिव के बीच में और AWS के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया। ठीक है, जो भी वार्तालाप का जो गैप था, वो गैप आ गया उसके बीच में। इस वजह से ऑन पैसिव ने AWS से नाता तोड़ लिया है। ठीक है, अब क्या करेगा ऑन पैसिव, दुनिया में बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं, बहुत सारे ऐसे सर्वर प्रोवाइडर हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल क्लाउड है, IBM क्लाउड है, अलीबाबा क्लाउड है, डिजिटल ओशियन है, मतलब दुनिया भर के सर्विस प्रोवाइडर हैं दुनिया में। ठीक है, तो अच्छा जरूरी ठीक है, नहीं है कि ऑन पैसिव किसी एक के ऊपर डिपेंड रहे। यदि AWS ने अपने नखरे दिखाए, तो ऑन पैसिव क्या करेगा, या तो गूगल पे शिफ्ट हो जाएगा, या माइक्रोसॉफ्ट के उस पर क्लाउड सिस्टम पे शिफ्ट हो जाएगा। समझ रहे है? हाँ, तो कहीं से भी ऑन पैसिव शिफ्ट हो जाएगा, तो इसमें अपने को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। हाँ, बस ये जरूर है कि कुछ बड़े चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि सर्वर चेंज होगा। जैसा मैंने तेरे को बताया कि AWS है, AWS से चेंज होगा ऑन पैसिव, तो सर्वर चेंज होगा, माइग्रेशन होगा कंपनी में, कंपनी दूसरे सर्वर पर जाएगी, जहां से कंपनी को कुछ बचत हो सके। ठीक है, जी मिस्टर ऐश है ना भाई, वो है ना, मतलब कॉस्ट कटिंग पे पूरा ध्यान देते हैं, एक तरीके का लाला नहीं होता बनिया जिसको अपन बोलते हैं, कि जी सारा तोग तुगाड़ लगा के कि हाँ मुझे यहाँ से पैसे की बचत हो सकती है। तो मिस्टर ऐश का जो माइंड है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ही एक, ये मान सकता है तू, बहुत ही शार्प माइंड है, कि वो कॉस्ट कटिंग पे ध्यान देता है, कहाँ से मुझे पैसा बच सकता है। तो AWS से ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था, तो अब दूसरा जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस है, उस पे ऑन पैसिव अपने आप को माइग्रेट कर रहा है, शिफ्टिंग कर रहा है। ठीक है, अब तेरा ये सवाल रहेगा कि इसमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो रिंकू इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं है। जैसा मिस्टर रैड ने बोला था कि ये जो प्रोसेस है, ये हो सकता है इसका जो माइग्रेशन वाला काम है, ये ट्यूजडे या वेडनेसडे तक चलता रहे। ठीक है, अच्छा तो ये वाला जो वीक है अपना, कल से अपना वीक स्टार्ट हो जाएगा मंडे से,
तो शायद ये वाले वीक तक अपन ऑन पैसिव के इकोसिस्टम को, ऑन पैसिव की वेबसाइट को, ओ फाउंडर डॉट नेट को ना चला पाए, ठीक है? तो तेरे को बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है अब, ना तो तू ओ कनेक्ट पे वेबिनार कर सकता अभी फिलहाल प्रेजेंट की डेट में, ना ही तू ओ फाउंडर्स डॉट नेट को ओपन कर सकता, और ना ही तू अपने ओईएस को ओपन कर सकता। अभी कुछ भी ओपन नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कुछ भी ओपन नहीं होगा। और ये जो सारा का सारा जो प्रोसेस मैं तेरे को बता रहा हूँ मेरे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ सर्वर की वजह से दिक्कत आ रही है, इसके अलावा कुछ भी इश्यूज नहीं है। अभी जब दूसरा सर्वर जब चेंज हो जाएगा, अभी तक AWS चल रहा है, ठीक है? अभी तक जो ऑन पैसिव जब से स्टार्ट हुआ तो AWS के सर्वर पे डिपेंड था, अब AWS ने नखरे दिखाना स्टार्ट कर दिए, तब ऑन पैसिव क्या करेगा, दूसरे सर्वर पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑन पैसिव के जो डेटा है उसका भी माइग्रेशन होगा ना, समझ रहे? जी, उसका भी माइग्रेशन होगा। ऑन पैसिव अपना डेटा दूसरे सर्वर पे शिफ्टिंग करेगा और दूसरे सर्वर को भी पैसा देना पड़ेगा। ये कोई फ्री सर्विसेज नहीं है, मिस्टर एश ने बोला है, इसके लिए उसको मिलियंस डॉलर पे करने पड़ते हैं, ठीक है? और कहीं ना कहीं तक ये बात बिल्कुल सच है मेरे भाई, कि जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो अपने को डेटा देते हैं, अपने को स्पेस देते हैं इंटरनेट की दुनिया में, उसके लिए वो पैसा लेते हैं, ठीक है? आने वाले दिनों में जब ऑन पैसिव का खुद का डेटा सेंटर आ जाएगा मेरे भाई, खुद का क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं ये, कि सब कुछ हमारा सेल्फ होने वाला है, उस टाइम पे ऑन पैसिव दुनिया से पैसे लेगा, समझ रहे? जब ऑन पैसिव का खुद का क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस आ जाएगा, खुद का डेटा सेंटर आ जाएगा, तब ये दुनिया से पैसे लेगा। अभी ऑन पैसिव के पास इस तरीके का प्रोसेस है नहीं, इस वजह से इसको पैसे देना अभी पड़ रहा है, ठीक है? तो अभी फिलहाल प्रेजेंट की डेट में मेरे भाई 4-5-10 दिन तक ये सारा का सारा प्रोसेस है बिल्कुल स्लो रहेगा, मतलब सर्वर डाउन रहेगा, तो कुछ भी ओपन नहीं कर पाएगा, क्लियर? और यदि मैं न्यू अपडेट्स की बात करता हूँ, या ट्रैफिक की बात करता हूँ, बोनस की बात करता हूँ, कमीशन की बात करता हूँ, विड्रॉल की बात करता हूँ, ऑन पैसिव से रिलेटेड जितने भी टास्क है मेरे भाई, जो तेरे दिल और दिमाग में चल रहे हैं, वो सारे के सारे अभी फिलहाल नहीं होंगे, ठीक है? जब वेबसाइट ही नहीं चलेगा, जब सर्वर ही नहीं चलेगा, जब ऑन पैसिव इकोसिस्टम को तू लॉगिन ही नहीं कर पाएगा, तो ये प्रोसेस कहाँ से कंप्लीट होगा? मानता है नहीं मानता? हाँ बिल्कुल सही बात, ठीक है? और मर्चेंट वाली बातें अपन ने कर ही ली थी, कि मर्चेंट ने जो पे इन वाला प्रोसेस है उसका सारा का सारा टास्क 100% कंप्लीट कर लिया है, और पे आउट के बारे में अभी मर्चेंट का ऐसा कुछ भी प्लानिंग नहीं है, ठीक है? तो ऑन पैसिव की तरफ से पे इन वाला प्रोसेस टोटल कंप्लीट हो चुका है, पे आउट के लिए प्लानिंग में है, जल्दी से जल्दी पॉसिबिलिटीज है कि ऑन पैसिव जैसा फाउंडिंग मेंबर्स उम्मीद रखते हैं कि जल्दी से जल्दी पेंडिंग विड्रॉल्स डिलीवर करेगा, तो उसके लिए अपने को वेट करना है। इसके अलावा कुछ भी आज की कोई बड़ी अपडेट नहीं है, बस यही है माइग्रेशन और शिफ्टिंग हो रहा है ऑन पैसिव में। इसमें कितना टाइम लगता है, 10 दिन लगते हैं या 5 दिन लगते हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है, और इसमें एक तरीके से ऑन पैसिव का पैसा भी खर्च होता है। तो लेट्स सी मेरे भाई, देखते हैं कब होता है कब नहीं होता है, इसके बारे में कुछ भी बता पाना मुश्किल है, ठीक है? तो ज़्यादा हेडक मत ले, ज़्यादा टेंशन मत ले, ठीक है? बस अपना OES और वेबसाइट और फाउंडर्स डॉट नेट है, इसको तो लॉग इन नहीं कर पाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, लीटर की बात सबसे होगी लगभग, तो उसने बताया नहीं। ना, उन्होंने यार देख, जो इंडियन लीडर्स है मेरे भाई, लिटरली बोल रहा हूँ यार, मतलब मुझे इतना शॉक्ड हुआ मैं सुन के, जब उन्होंने बोला ना कि मुझे सब कुछ पता है पर मैं बताऊंगा नहीं, मैंने कहा यार नहीं, उन्होंने ये वाली बातें तो बताई थी इनको यार, ये वाली बातें तो बताई थी उन्होंने कि मेजर शिफ्टिंग होने वाला है, माइग्रेशन होने वाला है, AWS के साथ हमारा कुछ मिसकम्युनिकेशन हो रहा है उनकी टीम के साथ, ये सारी बातें तो उन्होंने बताई थी अपनी वीडियोस में, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? हालांकि वो डेली वीडियो डालने लग गए हैं आजकल, आज भी उन्होंने एक वीडियो डाली है, ठीक है? तो उन सब की बातें कभी बाद में करेंगे, फुर्सत से करेंगे उन सब की बातें। मेन तो बात यह है कि तू टेंशन मत लेना, अपना OES लॉग इन नहीं हो पा रहा है, तो तूने स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ दाल में काला तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ अच्छा प्रोसेस अपने लिए बन के तैयार हो रहा है, तो देखते हैं, वेट करते हैं जो भी प्रोसेस रहता है, ठीक है? ओके भाई, ओके ब्रदर।